और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की। छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को सीधे गलत करार दिया है। ये बड़ी खबर है, ये कह दिया है कि दाऊद एकदम फिट है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की मौत को लेकर जो खबर मिल रही थी उसको अब वो छोटा शकील जो सबसे करीबी माना जाता है दाऊद का, उसने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि दाऊद के जन्मदिन से पहले ऐसी खबर इससे पहले भी हमेशा आती रही है, लेकिन दाऊद बिल्कुल फिट है, दाऊद को कुछ भी नहीं हुआ है। दाऊद इब्राहिम को लेकर के जो खबर आ रही है, ज्यादा जानकारी के साथ आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, अब छोटा शकील ने किस तरह की पुष्टि की है दाऊद के स्वास्थ्य के बारे में? देखिए प्रशांत, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पहले तो उन्होंने भी खंडन किया इस खबर का कि दाऊद को जहर दे दिया गया या दाऊद इब्राहिम की मौत हुई है। जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र में बताया कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, आईएसआई के सरपरस्ती में है। दूसरा, जो छोटा शकील है जो अंडरवर्ल्ड का सारा काम संभालता है, उसने भी जो है इस बात को तिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा है कि दाऊद एकदम फिट है और ये जो न्यूज चल रही है, तमाम न्यूज जो बकवास है। दाऊद के बर्थडे से पहले इस तरह की जो अफवाहें वो फैलाई जाती हैं। तो 26 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आने वाला है प्रशांत, और उससे पहले इस तरह की खबरें जो है वो सर्कुलेट की गई एक ट्विटर हैंडल के जरिए, और उसके बाद कई मीडिया हाउसेज में, जिसको सिरे से छोटा शकील ने खारिज कर दिया। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भी दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है और वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। तो साजिश के कितने तार सबूतों का अंबार। जी हां, संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा के बंगाल कनेक्शन की परतें अब एक के बाद एक खुलती जा रही हैं। अब इसमें एक और नया किरदार सामने आ गया है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का सौरभ चक्रवर्ती, जिन्हें ललित झा ने संसद के बाहर वीडियो बनाकर भेजा था। और आरोप ये भी है कि सौरभ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो को पोस्ट भी किया था। तो देखिए, पहले ललित झा अपने आप को जो इंस्टाग्राम कमेंट्स हैं उसमें पश्चिम बंगाल का बताता है, उसके बाद जानकारी आती है कि वो बिहार का रहने वाला है। और ऐसे में अब इस मामले में आरोपी ललित झा के बंगाल कनेक्शन की जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं, एक के बाद एक करके ये परतें खुल रही हैं। और इसमें एक और नया किरदार सामने आया है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का है ये सौरभ चक्रवर्ती इसका नाम, जिन्हें ललित झा ने संसद के बाहर वीडियो बनाकर भेजा था। यह वीडियो किस मकसद से बनाकर भेजा गया था, क्या इस वीडियो का इस्तेमाल किया जाना था, क्या इस वीडियो से संसद के बाहर की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर कोई क्लू लिया जाना था। और आरोप इस बात का भी है कि सौरभ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट भी किया था। इस वीडियो को जब सौरभ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया तो वो क्या मैसेज देना चाहता था, क्या इस वीडियो को पोस्ट करके वो अपने ही किसी एजेंट तक कोई खास मैसेज पहुंचाना चाहता था, ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो इस वक्त उठ रहे हैं। लेकिन संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा के बंगाल कनेक्शन की परतें जो है अब वो एक के बाद एक खुलती नजर आ रही है। अब इसमें एक और नया किरदार सामने आ रहा है, लेकिन एक बात लगातार जो साफ हो रही है और बार बार साफ हो रही है वो ये कि ललित झा अपने आप को पश्चिम बंगाल का बताकर जो तमाम युवा उसके साथ इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ते थे वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। और